अबे वो देख छोटे से बच्चे को, बहुत देर से देख रहा हूँ भीख मांग रहा है। अबे तो उन लोग के चक्कर में मत पड़, उन लोग अपना धंधा बना लिए भीख मांगने का, काम धंधा करने को कहो ना सालों को भीख मांगने चले आते हैं। सही कह रहा है यार, चल हम लोग उसके पास चलते हैं, तू अपना पर्स गिरा देना, देख लेना तेरे पर्स लौटाएगा नहीं, उसी बहाने उसको खूब कूटेंगे। चल ठीक है। तुम बेटा भीख मांग रहा है? भैया कुछ दे दीजिए। भैया ये आपका पर्स गिर गया। भैया ये आपका पर्स गिर गया। क्या? मेरा पर्स? छोटू तू ये पर्स रख भी सकता था, पर तूने लौटा क्यों दिया? भैया मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। छोटू तू भीख क्यों मांगता है, कोई काम क्यों नहीं कर लेता? भैया मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए भीख मांगता हूँ, कोई मुझे काम ही नहीं देता। काम करेगा मेरी दुकान पे, 2000 रुपए महीना दूंगा और साथ में खाना और रहना फ्री। ठीक है भैया, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ सकता, इसलिए स्कूल से आने के बाद ही मैं आपका दुकान देखूंगा। अबे इस भिखारी को तू अपनी दुकान पे ले जाएगा? ये ईमानदार है, मेरी दुकान के लिए ठीक रहेगा। चल छोटू मैं तुझे अपनी दुकान दिखा देता हूँ, और कल स्कूल से आने के बाद सीधा दुकान पे आना। अबे ये पागल हो गया है। लगावे जब लिपस्टिक हिल लाया रा डिस्टिक जिला टॉप लागे लू। छोटू आ गया तो पढ़ाई करके, बैग निकाल दे, आज मैं तुझे दुकान का काम सिखाऊंगा। जा छोटू पानी ले आ इसमें। पानी ले आ छोटू, इधर आ, आज तुझे दुकान के बारे में सब कुछ बताता हूँ। पहले तो दुकान की सफाई करनी जरूरी होती है, ठीक है, जिससे कस्टमर को अच्छा लगे। और तुझे चाय बनाना आता है कि नहीं? नहीं नहीं आता। चल तुझे चाय बनाना सिखाता हूँ। देख छोटू चाय तैयार हो गई है। ले जा सामने वाली दुकान पे, दे आ चाय और 20 रुपए ले लेना, ठीक है? चल छोटू रात होने वाली है, जल्दी से दुकान बढ़ा, अभी हमें मार्केट से सब्जी भी लेनी है। छोटू उधर जा, मुँह हाथ धुल ले और कपड़े बदल करा। सुन छोटू ये कुछ कपड़े हैं, प्रेस कर ले, और हाँ प्रेस करने के बाद पढ़ाई कर ले क्योंकि तेरा एग्जाम आने वाला है ना। मैं खाना बना ले रहा हूँ। भैया भैया उठिए, 6 बज गए, मुझे स्कूल भी जाना है। छोटू तू नहा धोके रेडी हो ले, मैं तेरे लिए नाश्ता बना देता हूँ। चल छोटू तैयार हो गया ना, मैं जा रहा हूँ दुकान, तू भी उधर से स्कूल चले जाना।
सुन छोटू, जा स्कूल और मन लगा के पढ़ाई करना, और शाम को सीधा दुकान पे आना, ठीक है? जा। देख छोटू, मैं जा रहा हूँ बाजार, 2 घंटे बाद लौटूंगा, तुझी को दुकान संभालना है, और हाँ सबको बढ़िया चाय पिलाना, ठीक है? ठीक है। तेरे भरोसे मैं छोड़ के जा रहा हूँ। भैया आप चिंता मत कीजिए, मैं दुकान संभाल लूंगा। ठीक है छोटू, तुमसे यही उम्मीद थी। अबे 3 सिगरेट निकाल। अबे 3 चाय भी देना। माचिस कौन तेरा बाप देगा? चल भाई। भैया मेरे पैसे तो दे दो। साले हम लोग को पहचानता नहीं क्या? भैया मुझे पैसे दीजिए, नहीं तो मेरे मालिक डांटेंगे। रुक साले, हम लोग बताते हैं कि हम लोग कौन है। माँ बाप साले, माँ माँ पैसे मांगेगा से लेगा। ये क्या हाल बना दिया तूने पूरी दुकान का? भैया भैया कुछ लड़के आए थे दुकान पर सिगरेट लेने, मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने दुकान पर तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। तूने ही कुछ किया होगा, वरना कोई किसी का दुकान क्यों बेवजह तोड़ेगा? नहीं भैया मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस सामान के पैसे मांग रहा था। चल रहने दे, तू मुझे मत सिखा, तू तो मेरा पूरा धंधा चौपट कर देगा। चल भाग यहाँ से। भैया मेरी बात तो सुनिए। चल भाग यहाँ से, मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है। पूरा धंधा ही चौपट कर देगा, ऐसे ही 2-4 और रख लूं तो मैं फुटपाथ पे आ जाऊंगा। ओए 4 चाय बना दो। लाओ 4 सिगरेट दे और माचिस भी देना साथ में। माचिस ओ चल बे। भाई चाय और सिगरेट के पैसे तो देते जाओ। अबे तेरी इतनी औकात, तू भाई से पैसे मांगेगा? मार साले को। अबे तुम्हें कितनी बार बोला काम धंधा करो, लेकिन नहीं, तुम्हारी गाड़ से नन्हे काट रहे, तुम्हें तो फ्री का खाना है। चल चल माफी मांग इनसे और सारा दुकान वापस फिर से लगा। और हाँ ये अपनी दुकान है, दोबारा इस एरिया में दिखाई मत देना। चल साहब गलती हो गई, अब दोबारा नहीं होगा, भैया माफ कर दीजिए। चल सारा सामान वापस वैसे रख। चल जितना नुकसान किया इसका पैसा दे। निकल अब।
थैंक यू सर, आज आपने मेरी जान बचा ली उन गुंडों से। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई, आपने ऐसा क्यों बोला, ये दुकान हमारी है। मालिक, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने सड़क से उठाकर 10 साल पहले दुकान बैठाया था, और जिस दिन आपने इस दुकान से मुझे निकाला था उस दिन मेरे साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी थी, और आज आपके साथ ये घटना घटी तो शायद आपको समझ में आया होगा किसकी गलती थी। मालिक, मेरी गलती नहीं थी। मुझे अब इतना शर्मिंदा ना करो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। और हाँ, मुझे तुम्हें देखकर खुशी हो रही है कि तुम एक बड़े पोस्ट पे हो। भैया, मैं ही बगल में रहता हूँ, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब मर्जी कहिए आप मेरे घर आ सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है ड्यूटी के लिए। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? वीडियो को लाइक तो कर दो यार, बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। कमेंट को दिल से शेयर करो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो जाके फॉलो करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।